जय हिंद दोस्तों, आई एम साकेत कुमार एंड टुडे आई एम गोना टीच हाउ टू लर्न इंग्लिश न्यूज़पेपर। इन दिस वीडियो आई विल कवर द सिटी न्यूज़ फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ फॉर बिगनर्स। फ्रेंड्स, दिस इज़ माई स्मॉल एफर्ट टू टीच यू इंग्लिश न्यूज़पेपर। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड माई एफर्ट। अलॉन्ग विद दिस आई हैव कवर्ड ऑल इम्परेटिव वोकैब as well as some incumbent facts. Guys, let's begin this video. Guys, आपको मैं इसका एक सिनॉप्सिस बता देता हूँ। दिल्ली के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, इन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी वह पौधों की कमी के कारण हुई थी। और इन्होंने कहा है कि इस साल एक वृक्षारोपण करने वाले हैं और इन्होंने दिल्ली के जनता सिटीजन्स को इम्यूनिटी बूस्टर पेन देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नर्सरी से कहा है कि दिल्ली की जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे दिए जाएंगे। और गाइस, इन्होंने कहा है कि पिछले साल इनको केंद्र सरकार से टारगेट मिला था 16 लाख पेड़ लगाने के लिए, तो इन्होंने उसकी जगह पर 32 लाख लगाया था और इस साल इनको टारगेट मिला है 15 लाख पेड़ लगाने के लिए। तो इन्होंने कहा कि जो पिछले साल की तरह हैं, इस साल भी हम लोग करीब करीब 33 लाख पौधे लगाने वाले हैं, इन लोग लगाने वाले हैं ये। ठीक है गाइस, तो हम इसको फिर पढ़ते हैं और इसको डिटेल करते हैं गाइस। और मगर इसमें जितने भी मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, ठीक है, इन सब की जो मैं आपको सिनोनिम्स बताऊंगा, प्लीज़ आप उसे नोट डाउन करते जाइएगा। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं सारा इसका वर्ड्स और इसके सिनोनिम्स को भी मैं मेंशन कर दूंगा गाइस। ठीक है, दिल्ली सा ऑक्सीजन शॉर्टेज। दिल्ली देखा ऑक्सीजन की कमी को, दिल्ली ने ऑक्सीजन की कमी को देखा। शॉर्टेज को बोलते हैं गाइस पॉसिटी, कमी, लैक, डेफिशिएंसी, इसको बोलते हैं गाइस कमी। तो दिल्ली ने ऑक्सीजन की कमी को देखा। ओनली सल्यूशन, केवल एक समाधान है, ओनली सल्यूशन टू प्लांट ट्रीज, पौधे लगाना है इसका एकमात्र समाधान है। गोपाल राय ने ऐसा कहा। ठीक है गाइस, दिल्ली एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय लिंक्ड द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन टू ट्री प्लांटेशन ऑन वेंसडे। दिल्ली एनवायरमेंट मिनिस्टर, जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, इन्होंने लिंक कर दिया है, जोड़ दिया है द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी को जोड़ दिया है टू ट्री प्लांटेशन, पौधों के वृक्षारोपण से ऑक्सीजन की कमी को इन्होंने जोड़ दिया है ऑन वेंसडे, बुधवार को। ठीक है, अब जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है वो किसी ने कहा होता है, तो जो कहा होता है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। ठीक है, कह रहे कि दिल्ली ने देखा एन ऑक्सीजन शॉर्टेज, ऑक्सीजन की कमी को, मैंने ही बताया शॉर्टेज पॉसिटी, ठीक है, डेफिशिएंसी, लैक, ठीक है गाइस, दिल्ली ने देखा एक ऑक्सीजन की कमी को ज्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक के दौरान ऑक्सीजन की कमी को दिल्ली ने देखा। एंड अ द गवर्नमेंट मेड एफर्ट्स, अ गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लगाया, बनाया टू ब्रिज द गैप, इस अंतर को भरने के लिए। एंड वो सक्सेसफुल, और वे सक्सेसफुल रहे। ठीक है, कोविड केसेस आर डिक्रीजिंग, देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है गाइस, तो कोविड केसेस कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, दैनिक आधार पर, बट देयर इज ओनली वन वे, लेकिन वहाँ केवल एक रास्ता है पहुँचने के लिए अ परमानेंट सॉल्यूशन, एक परमानेंट सॉल्यूशन पर पहुँचने के लिए केवल एक और एक रास्ता है गाइस। जो परमानेंट होता है उसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग, एंड्यूरिंग और ड्यूरेबल, ये जो होते हैं ये परमानेंट सॉल्यूशन होते हैं, समाधान होते हैं गाइस। ठीक है, परमानेंट का सिनोनिम से गाइस फॉर दिस ऑक्सीजन प्रॉब्लम, कह रहे हैं कि बट देयर इज ओनली वन, में केवल एक रास्ता है टू रीच अ परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन पर पहुंचने के लिए, समाधान पहुंचने के लिए केवल एक रास्ता है, वो क्या है, फॉर दिस ऑक्सीजन प्रॉब्लम, इस ऑक्सीजन प्रॉब्लम से निपटने के लिए केवल एक उपाय है, एंड दैट इज टू प्लांट ट्री, पौधे लगाना ऑन अ लार्ज स्केल, बड़ी स्तर पर पौधे लगाना ही एक और एकमात्र इसका उपाय है। वी हैव डिसाइडेड, हम लोगों ने डिसाइड किया है, निर्णय लिया है दैट की स्टार्टिंग पाँच जून से इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, प्लांटेशन ड्राइव, जो वृक्षारोपण ड्राइव मतलब होता है अभियान, कैंपेन,
एक्सपेडिशन, ठीक है, ट्राइब मतलब अभियान, कैंपेन एक्सपेडिशन, ठीक है गाइस, जिसको हम एक्सपेडिशन बोलते हैं, एक्स पी ई डी आई टी आई ओ एन एक्सपेडिशन, कैंपेन सी ए एम पी ए आई जी एन कैंपेन, ठीक है। तो ये जो प्लांटेशन ड्राइव है फॉर द कमिंग ईयर, जो प्लांटेशन की योजना है आने वाले साल के लिए, फॉर द कमिंग ईयर विल बी स्टार्टेड, आगे आने वाले साल के लिए शुरू की जाएगी गाइस। वी हैव डिसाइडेड, और हम लोगों ने निर्णय लिया है टू प्लांट 33 लाख ट्रीज, और हम लोगों ने निर्णय लिया प्लांट करने का, पौधा लगाने का 33 लाख पेड़ लगाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। दिस विल इंक्लूड, यह विल, यह करेगा इंक्लूड, यह जोड़ेगा बिग ट्रीज, बड़े पौधों को, एंड एज वेल एज, और साथ ही साथ सब्स, सब्स जो होते हैं झाड़ी होते हैं गाइस, छोटे पौधे होते हैं जिसको हम बस बोलते हैं या थिकेट बोलते हैं, टी एच आई सी के ए टी थिकेट बोलते हैं, ठीक है, छोटे पौधों को, या स्पिनी बोलते हैं, एस पी आई डबल एन ई वाई, स्पिनी बोलते हैं, छोटे छोटे झाड़ी वाले पौधे को बोलते हैं, ठीक है, उसको स्पिनी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि दिस विल इंक्लूड, या इंक्लूड करेगा बिग ट्रीज, बड़े पौधों को, एज वेल एज, साथ ही साथ सब्स को, अलॉन्ग साइड, दोनों तरफ रूट्स के, ठीक है। टू कब, कब मतलब प्रतिबंधित करना, कब मतलब कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, हिंडरेड करना, ठीक है गाइस, इसको आप बोल सकते हो बैरिकेड करना, रोकने के लिए, टू कब, डस्ट पोल्यूशन, डस्ट प्रदूषण को रोकने के लिए ये दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ छोटी छोटी झाड़ियाँ भी लगाएंगे, ठीक है। एंड PM10, और ये सिर्फ डस्ट पोल्यूशन को नहीं, डस्ट पोल्यूशन एंड PM10, ये जो PM10 होता है गाइस, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ, जो PM10 जिसको आप बोलते हैं, इसका पूरा अर्थ होता है पर्टिकुलेट मैटर, पर्टिकुलेट मैटर यानी कि ये जो एक एयर क्वालिटी इंडेक्स को प्रदूषण है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर इस एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, तो ये जो हमारे CPCP के जो कमिटी है वो इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स निर्धारित करती है, दैट मीन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एयर क्वालिटी इंडेक्स को निर्धारित करती है, जो पूरे वर्ल्ड की बनाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि वर्ल्ड की टॉप 12 अगर सबसे पोल्यूटेड कंट्री में अपने इंडिया का स्थान 11वां स्थान आता है गाइस, और उसमें भी दिल्ली, फरीदाबाद, कानपुर, ये तीनों रोस्ट सबसे अधिक पोल्यूटेड हैं, और इन्हों जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जीरो से, इसका जो स्केल होता है 0 से लेकर के 500 तक होता है गाइस, तो 0 से 50 तक गुड होता है, और 50 से 100 तक मॉडरेट होता है, और 100 से 150 तक अनहेल्दी, इसको अनहेल्दी कह सकते हैं, मतलब सांस लेने लायक तो नहीं है, अनहेल्दी है, लेकिन अगर जहाँ 150 से ऊपर जाता है तो वो मतलब अनहेल्दी होना शुरू हो जाता है, काफ़ी खतरनाक होना शुरू हो जाता है, और जब ये 300 से पार कर जाता है तो हैजार्डस हो जाता है, विषैला हो जाता है, मतलब यहाँ आप सांस लेना मतलब मृत्यु के बराबर हो जाएगा, और ये जो PM10 है, PM10, PM2.5, ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। तो अब मैं बताऊँ कि ये जो PM, आप लोगों को भी देखा होगा कि हमारे आसपास कभी जो मॉर्निंग उठते हैं ठंडे के दिन में, तो जो कोहरा कोहरा होता है तो बहुत दूर तक हम देख नहीं पाते, तो डस्ट पार्टिकल होते हैं गाइस, जब बारिश वरिश आती है तो वो डस्ट पार्टिकल ज़मीन पर बैठ जाते हैं, PM10 तो बैठ जाता है लेकिन PM2.5 नहीं बैठ पाते, वे वायुमंडल में वैसे ही बने रहते हैं। तो इनके जो मुख्य, इनके निकलने का जो मुख्य स्रोत है, तो जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं और जितने भी जो हम अपने कोयले वेले जो घर में कोयले जलाते हैं, जो सिगरेट जलाते हैं, जो लैंप जलाते हैं, या जो पुराने ज़माने में जो लोग लकड़ियाँ जलाती थी, अभी भी गाँव में उस पर खाने बनते हैं, उसके वजह से भी ये PM10 पार्टिकल्स उत्सर्जित होते हैं गाइस, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ कि PM10 है, जिसका मतलब होता है 10 माइक्रोन डायमीटर, ठीक है, या PM2.5 मतलब 2.5 माइक्रोन डायमीटर, और 1 मीटर बराबर 10 लाख माइक्रोन होता है, 1 मीटर बराबर 10 लाख माइक्रोन, और वहीं 1 इंच बराबर 25,000 माइक्रोन होते हैं। अगर हम बात करें तो ह्यूमन हेयर जो होती है 50-70 माइक्रोन के बराबर होती है, ह्यूमन का हेयर बताओ जब 50-70 माइक्रोन, तो इतना पतला है, और इससे या तो 30 गुना छोटा है, कैसे देखिएगा इस, देखिएगा यानी, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो ये होता है PM10, और एयर क्वालिटी इंडेक्स न्यूज़पेपर में पर डे पब्लिश किया जाता है गाइस। तो अभी जो हमको लगता है कि दिल्ली का है वो 250 से लेके 300 के बीच में ही है गाइस, वो काफ़ी ख़तरनाक है, इसीलिए इन्होंने कहा है कि जो ये कर्व करेंगे डस्ट पोल्यूशन को एंड PM10 को, ऐसा इन्होंने कहा है, राय सेठ गोपाल राय ने कहा है ड्यूरिंग अ वेबकास्ट, अपने वेबकास्ट के दौरान इन्होंने जो हम लोग इंटरनेट पे जो अपना स्पीच देते हैं उसको एक्सप्लोर कर देते हैं, उसे वेबकास्ट कहा जाता है गाइस, ऑन वेंसडे बुधवार को, दिल्ली ने देखा अ शॉर्टेज, जहाँ मैंने अभी आपको बताया आपको शॉर्टेज पॉसिटी, ठीक है, डेफिशिएंसी, लैक, स्कैसिटी भी एक अच्छा सिनोनिम से गाइस, इसे आप लिख लीजिएगा, SCARCITY, स्कैसिटी,
ठीक है गाइस। करेक्ट, दिल्ली सा अ शॉर्टेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को देखा, चूंकि क्योंकि एज यहाँ पे क्योंकि का कार्य कर रहा है गाइस, कंजंक्शन है ठीक है। तो एज चूंकि कोविड केसेस शूटअप, कोविड केसेस तीव्र हो गए थे, तेज हो गए थे ठीक है, इन द लास्ट 2 वीक ऑफ अप्रैल, अप्रैल के पिछले 2 सप्ताहों में ये काफ़ी तीव्र हो गए थे, एंड और फर्स्ट 2 वीक ऑफ मई के पिछले शुरुआत के 2 सप्ताहों में काफ़ी तेज़ हो गए थे। द गैप बिटवीन ऑक्सीजन डिमांड एंड सप्लाई, जो गैप है बिटवीन ऑक्सीजन डिमांड एंड सप्लाई गाइस, जो ये बिटवीन है, इन बिटवीन है और एमंग, ये तीनों का मतलब बीच में ही होता है ठीक है। तो जो बिटवीन होता है वो दो लोगों के बीच में आता है, और जो मान लो अगर राम और श्याम है तो इनके बीच में अगर कुछ रहेगा तो ये बोलेंगे बिटवीन, लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति मान लो राम एंड श्याम, इन दोनों के बीच में श्याम आ जाता है तो हम बोलेंगे इन बिटवीन। और एमंग का उपयोग दो या दो से अधिक को अधिक के लिए करते हैं, उनको चुनने के लिए करते हैं, एमंग का यूज़ करते हैं गाइस ठीक है। तो करेक्ट, द गैप बिटवीन ऑक्सीजन डिमांड, देखिए दो चीज़ें, ऑक्सीजन डिमांड एंड सप्लाई, तो इस ऑक्सीजन डिमांड और सप्लाई के गैप को भरने के बीच में, द गैप बिटवीन ऑक्सीजन डिमांड एंड सप्लाई, ऑक्सीजन डिमांड और सप्लाई के बीच ठीक, बिकम अपरेंट, वह साफ हो गए, पूरी तरह से साफ हो गए, अपरेंट हो गए, क्लियर हो गए, टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल, अप्रैल के अंत तक यह इनके जो बीच का जो गैप है वो पूरी तरह से साफ हो गया। एंड द क्राइसिस कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट 2 वीक, और जो क्राइसिस है वो लगातार बनी रही, कम से कम 2 वीक तक, 2 सप्ताह तक ये जो क्राइसिस है लगातार बनी रही, ड्यूरिंग विच, जिसके दरमियान, इस जब तक ये क्राइसिस बनी थी, जब क्राइसिस बनी रही उसी दरमियान, ड्यूरिंग विच द दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने हेल्ड किया योजना आयोजन किया था, हेल्ड किया डेली हियरिंग को, डेली हियरिंग को इन्होंने आयोजन किया, डेली सुनवाई को, एंड पुल्डअप, और खींचा, जोर दिया, पुल्डअप किया, बोथ सेंटर एंड स्टेट दोनों को इन्होंने जोर दिया, पेशेंट्स इन जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, जो पेशेंट्स हैं जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में और एंड बत्रा हॉस्पिटल, बत्रा हॉस्पिटल के और जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं ऑल्सो डाइट, वो मारे गए ड्यू टू द लैक ऑफ देखो लैक आ गया ना, शॉर्टेज, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण ठीक है। हॉस्पिटल अथॉरिटीज स्टेटेड, हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने ऐसा कहा, स्टेटेड मतलब कहा, द गवर्नमेंट हैज़ गिवेन, गवर्नमेंट को, द गवर्नमेंट हैज़ गिवेन अस, सेंटर हैज़ गिवेन, सॉरी द सेंटर हैज़ गिवेन, सेंटर ने दिया है अस हम लोगों को अ टारगेट, एक टारगेट ऑफ 18 एक्टिव, तो सेंटर ने हम लोगों को 18 लाख का टारगेट दिया है गाइस ठीक है। हाउएवर जो भी हो, वी प्लान, हम लोगों की योजना है टू प्लांट अराउंड 33 लाख ट्रीज, हम लोगों की योजना है 33 लाख पेड़ लगाने की ठीक है गाइस। दिस टाइम अराउंड, इस समय लगभग हम लोगों को 33 लाख पेड़ लगाने की योजना है। लास्ट ईयर, पिछले साल, द सेंट्रल हैड गिवेन, सेंट्रल ने दिया था, द सेंट्रल हैड गिवेन अस, हम लोगों को दिया था अ टारगेट ऑफ 15 लाख ट्रीज, पिछले साल सेंट्रल ने हम लोगों को 15 लाख का टारगेट दिया था गाइस। वी प्लांटेड अराउंड 32 लाख और हम लोगों ने 32 लाख पेड़ लगाए ठीक है गाइस। वी विल स्टार्ट द ड्राइव सिम्बोलिकली, हम लोग शुरू करेंगे वी विल स्टार्ट द ड्राइव, इस कैंपेन को ठीक है, इस ड्राइव को, इस योजना को हम लोग शुरुआत करेंगे सिम्बोलिकली, संकेतात्मक रूप से करेंगे ऑन जून 5 को। मैं आपको बताऊँगा जो 5 जून है, इस दिन वर्ल्ड एनवायरमेंट दिवस मनाया जाता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 5 एवरी ईयर टू रिमाइंड पीपल अबाउट द इनकम्बेंट ऑफ नेचर। सो एनवायरमेंट डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है प्रत्येक साल 5 जून को, याद दिलाने के लिए लोगों को प्रकृति की महत्वपूर्णता को, प्रकृति की जरूरी को याद दिलाने के लिए लोगों को हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट दिवस मनाया जाता है। और गाइस इस साल का जो थीम है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का, द थीम फॉर दिस ईयर इज इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, जो थीम है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन है गाइस ठीक है ओके। अब यहाँ पर देखिए विच इज मार्क, जो मनाया, जो सांकेतिक है किसके तौर पर, एज द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट दिवस के रूप में इस 5 जून को मनाया जाता है गाइस ठीक है। द स्टार विल बी सिम्बॉलिक, द स्टार, यह जो शुरुआत है वह सिम्बॉलिक होगी, सांकेतिक होगी, बिकॉज क्योंकि दिल्ली इज अंडर पार्शियल, दिल्ली अंडर पार्शियल लॉकडाउन में है, राय सेड, ऐसा राय ने कहा, देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा है।
राय सेड, राय ने कहा दैट नर्सरीज, गाइस नर्सरीज वो होते हैं आपको बताऊं कि जहां और नर्सरीज इज अ प्लेस वेयर प्लांट आर प्रोपेगेटेड एंड ग्रोन टू डिजायर इज, ऐसा स्थान जहां प्लांट को एक्सपेंड किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, बढ़ाया जाता है उनके उनके उस डिजायर एज तक, ठीक है, और वहाँ पर उसको करके और उसे सेल कर दिया जाता है, बेचा जाता है गाइस, ठीक है, वो सब नर्सरीज बोलते हैं। जहाँ आप लोग देखोगे ना नर्सरी से हम लोग हर तरह के पेड़ पौधे और फूल लेके घर आते हैं तो वो नर्सरीज होते हैं। तो ये कह रहे हैं राय सेट, राय ने कहे, ठीक है, दैट की नर्सरीज इन दिल्ली, दिल्ली में जो नर्सरीज हैं विल डिस्ट्रीब्यूट, वह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्लांट्स पौधों को फॉर फ्री, वह दिल्ली में जो नर्सरीज हैं वह फ्री में पौधों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना गाइज हैंड आउट करना, ठीक है, फॉर फ्री, एंड दैट और दैट जो दिस विल इंक्लूड, और ये इंक्लूड करेंगे, और इसमें ये क्या करेंगे, ये जो नर्सरीज हैं वह इंक्लूड करेंगे, क्या करेंगे, दोज विथ पावर, उनके दोज विथ पावर, पावर के साथ, दैट मीन्स इम्यूनिटी बूस्टिंग, जो इम्यूनिटी बूस्टिंग वाले जो जो पौधे हैं उसको भी इसमें ये इंक्लूड करेंगे गाइज, बूस्टिंग इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, मजबूत करना इज इम्पॉर्टेंट इनकम्बेंट, इम्पॉर्टेंट का सिनोनिम से आप जान जो है थोड़ा एक आप लोग इसको सुने भी हो गए, इनकम्बेंट जो इम्पॉर्टेंट होता है उसको हम इनकम्बेंट भी बोलते हैं, ठीक है गाइज, आई एन सी यू एम बी ई एन टी, इनकम्बेंट, इम्परेटिव आई एम पी ई आर ए टी आई वी, इम्परेटिव और मैंडेटरी, कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, इसेंशियल, ये सब तो आप जानते ही होंगे गाइज, ठीक है। तो एक दो ही वर्ड था यहाँ पे, इसका कुछ एस एस सी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्परेटिव और इनकम्बेंट गाइज, ओके। तो कह रहा है कि बूस्टिंग इम्यूनिटी इज इम्पॉर्टेंट, बूस्टिंग जो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो मजबूती है, बूस्टिंग है, इज वह है महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एंड इट हैज़ बीन मेड क्लियर, और यह बन गया है, यह पूरी तरह साफ हो गया है ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक के दौरान यह पूरी तरह साफ हो गया है गाइज। एवरी ईयर वी गिव आउट, प्रत्येक साल हम लोग देते आ रहे हैं, गिव आउट करते आ रहे हैं प्लांट्स फॉर फ्री, प्रत्येक साल हम लोग फ्री पौधे देते आ रहे हैं एट आवर नर्सरीज, अपने नर्सरीज पर से हम लोग प्लांट फ्री देते आ रहे हैं हर एक साल। वी हैव ऑल्सो बीन प्लांटिंग, और हम लोग प्लांटिंग भी करते आ रहे हैं, हम लोग पौधे भी लगाते आ रहे हैं, एंड वी हैव बीन प्लांटिंग ट्री एंड प्लांट्स, और हम लोग पेड़ भी लगाते आ रहे हैं, और ट्रीज एंड प्लांट्स मतलब हम लोग पेड़ पौधे लगाते आ रहे हैं, सच एज जैसा कि गिलोय, अभी बताते ना इम्यूनिटी बूस्टर भी दिया जा रहा है, देखो क्या है, गिलोय है, एलोवेरा है, करी लीव्स है, ये सभी इम्यूनिटी बूस्टर हैं, और सहजन है, तुलसी है, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर है गाइस। अब हमको लगता है आप सभी लोगों के घर में ये एलोवेरा तो होगा ही, गिलोय भी होगा, करी लीव्स शायद हो, सहजन मेरे यहाँ तो सहजन है, और तुलसी भी है, तुलसी तो हर एक घर में होता है गाइस, ये काफ़ी, इसे भारत का वैद्य भी कहा जाता है, ये सबसे अच्छा होता है, काफ़ी अधिक ऑक्सीजन देता है गाइस, ओके। एटीसी दिस विल ऑल्सो बी अवेलेबल, और ये भी कौन कौन से, तो गिलोय, एलोवेरा, करी लीव्स, सहजन, तुलसी, ये भी, दिस विल ऑल्सो बी अवेलेबल, ये भी वहाँ उपलब्ध होंगे एट नर्सरीज, नर्सरीज पर टू टेक होम, घर ले जाने के लिए। लास्ट ईयर, पिछले साल 6.6 लाख प्लांट्स, 6.6 लाख प्लांट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटे गए थे लाइक दिस, इस साल की तरह, ही सेड, इन्होंने कहा। गाइस मैं इसमें जितने भी वर्ड्स को बताया हूँ मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसको इंक्लूड कर दूंगा, एंड थैंक यू सो मच गाइस टू वॉच माय वीडियो, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच गाइस।